हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मेटेज विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2, जो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर दे। प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि बताया था आपको कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और रेसिप्रोकल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस पर मैंने एग्जाम्पल कराया था। अगर वो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो स्टूडेंट, जब मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से जितने भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका, टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया था स्टूडेंट कंजुगेट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज भी बताया था, फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज भी बताया था। वो आपको आप पता रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा डीप बता देता हूँ यहाँ पे कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट सिंपली क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट निकालते हैं तो आयोटा को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से, तो उसे हम कंजुगेट बोलते हैं। जैसे आपको जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी दिया है तो हमें इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो कंजुगेट किसे नोट करते हैं, जेड बार से। तो हम क्या करेंगे, आई को, आयोटा को हम क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड का ए माइनस आयोटा बी, तो ये क्या कहलाता है, इसका कंजुगेट कहलाता है। कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक है, तो ये होता है कंजुगेट। अब इसका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ये आपका क्या दिया है, जेड दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 4 माइनस आयोटा आई। तो अब बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बताइए, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू आई को हम क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, तो 4 माइनस 5 इंटू माइनस आयोटा, आई को क्या करेंगे हम रिप्लेस करेंगे, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा इसमें माइनस इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 आयोटा क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जब भी ऐसा डिनोमेटर में अगर कम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा स्टूडेंट, तो ट्राई करिएगा कि डिनोमेटर से हम क्या करें, कम्प्लेक्स नंबर को फ्री कर दें। तो फ्री करने के लिए क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमेटर से कम्प्लेक्स नंबर वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद उसका कंजुगेट हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट इसका। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, क्या स्टूडेंट होती है, माइनस वन, तो यहाँ पे जब माइनस वन पुट करेंगे तो इनटू करेगा ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 25, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 34, क्या हो जाएगा, 34, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो 3 अपॉन 34 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 34। अब ये क्या हो गया, ये आपका जेड निकल के आ गया, मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल देंगे, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या ये जेड है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड कंजुगेट आयोटा को क्या करेंगे, माइनस रिप्लेस करेंगे, तो माइनस खुद ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3 अपॉन 34 प्लस 5 अपॉन 34 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं अगर उसका डिनोमेटर में क्या हो, कम्प्लेक्स नंबर होता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपका। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन जो क्या है आपका सिमिलर है और 5th क्वेश्चन भी क्या आपका सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप खुद से वो ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और उसका कमेंट में आंसर बताएगा कितना आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 क्या है, 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई, इसका हमें क्या करना है, कंजुगेट का बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ए प्लस आयोटा वी के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले ऊपर वालों को हम क्या करते हैं, पहले a प्लस आयोटा के डिनोमेटर को हम फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद से डिनोमेटर को क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस आयोटा स्क्वायर
उसके बाद से माइनस टू इंटू थ्री आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या रहेगा टू प्लस आयोटा, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री का नाइन हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, और ये क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाई टू प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका एट माइनस सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाई टू प्लस आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके कंजुगेट से, डिनोमेटर का कंजुगेट से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले टू इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा एट टू ज़ा सिक्सटीन, उसके बाद से माइनस ट्वेल्व आयोटा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगा माइनस माइनस आयोटा क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा होल में एट माइनस सिक्सटीन आयोटा में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस एट आयोटा, उसके बाद से माइनस माइनस प्लस सिक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या होता है टू स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है, आप इजिली कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी आयोटा, और यहाँ पे आपका ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस वन होती है, तो माइनस वन इंटू सिक्स तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा आपका, ये ऊपर कितना आ जाएगा इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस ट्वेंटी आयोटा, ठीक है, माइनस ट्वेंटी आयोटा, उसके बाद से कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये फाइव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करिए, इसको इस तरीके सेपरेट कर दीजिए, टेन अपॉन फाइव माइनस ट्वेंटी आयोटा अपॉन फाइव, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टू माइनस फोर आयोटा, टू माइनस फोर आयोटा, ये क्या निकल के आ गया आपका जेड आ गया, ये क्या आ गया जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करें आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं इसका कंजुगेट निकालते हैं, मतलब जेड बार, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा टू प्लस फोर आयोटा, आयोटा क्या करिए माइनस वन से माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई होप तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, फिफ्थ जो है आपका इस तरीके से सिमिलर है, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सिक्स क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सीरियस करना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, सिक्स क्वेश्चन उसी तरीके से है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह है, ये भी है। क्या करेंगे, पहले ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को भी क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या करेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स आ जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस फोर आयोटा, फिर उसके बाद से प्लस थ्री मल्टीप्लाई करेगा प्लस थ्री आयोटा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये प्लस नाइन आयोटा आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो थ्री टू ज़ा सिक्स और प्लस माइनस माइनस आएगा, ये सिक्स आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, आप इजीली मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। फिर इसको टू को मल्टीप्लाई करिए तो टू आ जाएगा, उसके बाद फोर आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आयोटा, और यहाँ पे माइनस टू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करेंगे हम इसको सिंपली क्या करें मल्टीप्लाई कराए हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर सिक्स आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये थ्री टू सिक्स आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा ये सिक्स अभी के देखिए फोर आयोटा और ये नाइन आयोटा, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस फाइव आयोटा और यहाँ पे माइनस ये सिक्स हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये आपका टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस थ्री आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो ये सिक्स टू जा ट्वेल्व हो जाएगा और ये फाइव आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री आयोटा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस थ्री आयोटा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री आयोटा। इतना बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेगी तो ये देखिए ये क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट, उसके बाद से ये प्लस ट्वेंटी आयोटा, उसके बाद से ये माइनस छत्तीस आयोटा, उसके बाद से माइनस पंद्रह पंद्रह आयोटा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा फोर का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर। ओके यहाँ तक समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं, अब सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए 48 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -16 आयोटा। उसके बाद से यहाँ पे ये हो जाएगा +15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है, मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 16 -9 आयोटा स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 15 और 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 63। और ये क्या आ जाएगा, -16 आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या उतना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। तो ये आपका 63/25 -16/25 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये जेड आ गया। मान लेते हैं हम इतना इक्वल टू क्या है, जेड। जेड क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर मान लिया कितना है, ठीक है, 16-25 आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस यहाँ पे प्लस कर देंगे, 16/25 +16/25 आयोटा, ठीक है। तो हमेशा कंजुगेट क्या होता है कि एक्सटेंडर फॉर्म जो होता है कम्प्लेक्स नंबर का, उसी का निकालते हैं हम। तो पहले नहीं दिया एक्सटेंडर फॉर्म क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में क्या करिए, पहले कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करिए, उसके बाद इसका कंजुगेट निकालिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी इसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी नंबर दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, उसके बाद से कंजुगेट निकालते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छा तो समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है कम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट। तो हमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होता है, अपने हमने बताया था पिछले वीडियो में, रेसिप्रोकल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलिए या मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स बोलिए कम्प्लेक्स नंबर का, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, 1/z क्या होता है, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, या इसको लिखते हैं हम जेड इनवर्स, जेड टू द पावर -1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस आयोटा बी, ये डिवाइडेड बाई, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका क्या है जेड, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे उसका मॉडुलस का स्क्वायर से, तो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या दिया है, 1-iota, ये तो दिया है। तो पहले हम क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1+iota हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा को हम क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये इसका कंजुगेट निकल गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए एक जगह पे क्या है, यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। जेड हमें देखना है, इसका देखना है ना कि इसका, ठीक है, इसका देखना है। तो प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, रूट टू आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, रूट टू आ गया। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड इनवर्स बोलिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ जेड कितना है आपका, 1+iota, यहाँ पर लिख देंगे 1+iota। उसके बाद से मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आया, 2 आया, तो डिवाइडेड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 +1/2iota, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। देखिए इजीली कैसे हम क्या कर लें, फाइंड कर लेंगे। अब इसको ये पता है, तब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने सारा बता दिया, ये सब कंजुगेट क्या होता है,
मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वहाँ पे एग्जांपल भी कराया स्टूडेंट, तो उसको देख लीजिएगा तो कंसेप्ट इजिली क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है आपका स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, इसको क्या करिए पहले, जेड इक्वल टू क्या दिया है, 1 + iota √3 का होल टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा क्या करिएगा, हमेशा कभी भी दिया रहेगा कम्प्लेक्स नंबर तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद से कोई भी निकालना होगा, आपको इन्वर्स निकालना होगा या कंजुगेट निकालना होगा तो ईजी होता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए पहले a + b का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × iota √3, ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ये 1 और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 ये क्या हो जाएगा, 2√3 यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 − 3 + iota √3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, −2 + iota √3, ये जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है इन्वर्स, तो ये फॉर्मूला होता है आपका कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कंजुगेट निकाल देंगे, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या करिए, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, -2 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, −iota √3, ये इसका कंजुगेट आ गया। अब क्या करेंगे, मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा आपका, ये रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपका, 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, तो मोड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट मोड जेड इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। √16 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 4 होती है, इतना मत पता है। ठीक है, 4 होती है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जेड का स्क्वायर चाहिए ना, जेड का स्क्वायर चाहिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। अब सिंपली इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपका जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कंजुगेट −2 − iota √3 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो −2/16 और −iota √3/16, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, 2 8 8 आ जाएगा ना, तो −1/8 − iota √3/16 ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए या रेसिप्रोकल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 4 है, थर्ड जो है सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, आपका जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, √5 + 3 iota, यही दिया है, तो अब कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, √5 − 3 iota, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है, √5 का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, तो ये इमेजनरी पार्ट जेड क्या है आपका, −3 है, उसका होल स्क्वायर होता है। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, और ये कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, 9, तो कितना आ जाएगा आपका, √14 आ जाएगा, मतलब √14 मोड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, √14, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, कि जेड इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। आपको कंजुगेट निकाल दें, यहाँ पे कंजुगेट कितना आया है आपका, √5 − 3 iota, ठीक है, 3 iota डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आया, 14 आया, तो इसको यहाँ पर 14 इस तरीके से लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दीजिए, √5/14 − 3/14
या आयोटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, जेड इनवर्स आया या मल्टीप्लेटिव इनवर्स बोलिए या रेसिप्रोकल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वेव, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो का टारगेट लाइक है 15+, आई होप कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हेल्प मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा टू द होल मॉडुलस, इसके हम वैल्यू फाइंड आउट करने स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस मॉडुलस को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इजिली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये देखिए पहले क्या निकालेंगे, Z1 प्लस Z2 क्या होता है, Z1 प्लस Z2, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड किए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर भी प्लस 1 कर देंगे, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो आपकी वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई, क्या आ गई, 4 आ गई। बात समझ में आ रहा है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे कह रहा है Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा की वैल्यू निकालिए, तो सिंपली उसी तरीके से Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालिए, तो Z1 इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और ये यहाँ पे माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, मतलब Z1 माइनस Z2 की वैल्यू ये आ गई। अब बोला है कि इसमें प्लस आयोटा कर दीजिए, तो दोनों तरफ प्लस आयोटा करिए, तो Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, मतलब Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, एक ये वैल्यू निकाल के आ गया, ये वैल्यू आ गया, ओके। अब क्या करिए, इसको इस तरीके से कर दीजिए, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका मॉडुलस, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब इस मॉडुलस क्या होता है, जब ये डिवीजन में होता है तो ब्रेक होता है, ऊपर मॉडुलस आता है और नीचे भी मॉडुलस आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, ये आपका ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई इसका Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मॉडुलस, इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम बात समझ में आ रहा है, तो पहले क्या करिए, यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो हमें तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 4, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मॉडुलस। इसकी वैल्यू कितनी है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 क्या आई है वैल्यू, 4, हमने 4 मॉडुलस लिख दिया। उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडुलस, 1 माइनस आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको 4 प्लस 0 आयोटा भी तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस आयोटा, ये तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलस मीन्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है, सिंपली फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, आयोटा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या दिया है, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 दिया है, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, रूट 16, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 और 1 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, रूट 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, रूट 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये से क्या रहेगा, रूट 2 रहेगा, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, 4 अपॉन रूट टू, मतलब इतनी की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन रूट टू, मतलब कहने का मतलब कि मोड जेड वन प्लस जेड टू प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू प्लस आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू आ गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5th, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि इफ़ जेड वन इज इक्वल टू टू माइनस आयोटा और जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस आयोटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ जेड वन, इसके हम वैल्यू निकालने। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, ये जेड वन इंटू जेड टू अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड वन, इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, पहले इसकी वैल्यू जेड वन इंटू जेड टू डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ जेड वन, तो आपको जेड वन यहाँ पे क्या दिया है, ती हो जाएगा टू माइनस आयोटा दिया है जेड वन, जेड टू की वैल्यू क्या दी है माइनस टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ जेड वन, तो कंजुगेट ऑफ जेड वन क्या हो जाएगा, ये जेड वन है आपका, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब टू प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, हम डिनोमेटर से भी क्या करेंगे, फ्री करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कंजुगेट से, टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू माइनस आयोटा, ठीक है, क्यों कर रहा है आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऊपर कितना हो जाएगा, टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे टू का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू आ रहा है। अब इसे ब्रेक कर दीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस फोर आयोटा, ठीक है, इसकी ए माइनस बी का हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो इतना बात समझ में आ रहा होगा, इंटू माइनस टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, और माइनस वन इंटू प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, माइनस फोर आयोटा इंटू माइनस टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई फाइव। अब ऊपर को क्या करना है, ऊपर का हमें बस मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो ऊपर को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू एक बार थ्री मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एट आयोटा हो जाएगा, उसके बाद से प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा थ्री में तो प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा माइनस फोर आयोटा में तो ये हो जाएगा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव। बात समझ में आ रहा है, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लीकेशन कराया है, उतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये माइनस सिक्स, और ये कितना हो जाएगा, प्लस आठ और तीन ग्यारह आयोटा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होने देती है, इसे मल्टीप्लाई करें तो फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई फाइव। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू इलेवन आयोटा डिवाइडेड बाई फाइव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, जेड वन इंटू जेड टू डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ जेड वन की वैल्यू आ रही है माइनस टू अपॉन फाइव प्लस इलेवन बाई फाइव आयोटा, ये वैल्यू आ रही है। अब हम क्या पूछ रहे हैं, इसका रियल पार्ट पूछ रहा है, इसका रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड वन, यही तो है, ये तो एक्सप्रेशन है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस टू अपॉन फाइव, तो माइनस टू अपॉन फाइव क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका इसका सेकंड क्या है, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड क्या है, ये बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन इंटू कंजुगेट ऑफ जेड वन, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। स्टूडेंट आपको पता होगा ये एक प्रॉपर्टी होता है कंजुगेट का कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगा। नहीं पता है तो देखिए इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, ए प्लस आयोटा बी है इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी होगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो जेड वन इंटू जेड का कंजुगेट ये क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं क्या, मोड जेड का होल स्क्वायर, मोड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि मोड जेड क्या होता है आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे मोड जेड का, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतने की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला आ गया कि जेड और उसका कंजुगेट, मतलब जेड और उसका कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो मोड जेड का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी तरीके से ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपका इमेजिनरी पूछ रहा है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड वन कंजुगेट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू, मोड जेड वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जेड वन की वैल्यू क्या दी है, ये दिया गया है, तो इसके हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाए जेड वन, ये वैल्यू दी है ना, तो ये टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, उसके बाद से इस तरीके से आएगा होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगी टू और ये आ जाएगा आपका थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री का होल स्क्वायर मतलब थ्री आ गया बस, मतलब जेड वन और उसका कंजुगेट मतलब इसका प्रोडक्ट कराएं तो क्या आ गया थ्री आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल में ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा जेड वन इंटू मोड, सॉरी जेड वन का कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वन अपन थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इमेजनरी पार्ट बोल रहा है, तो इमेजनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो आयोटा है, लिख सकते हैं ना, कोई वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन, जेड वन का कंजुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है, ये आता है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा। इसके हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद से मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा। तो क्या करिए, इसको थोड़ा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा का होली स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा का होली स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होली स्क्वायर माइनस ए ए माइनस बी का होली स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट वन प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वन प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्या कट जाएगा आपका, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, टू आयोटा हो गया, डिवाइडेड बाई ये वन और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है। यहाँ पे फोर आयोटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया, टू आ गया ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू टाइम में यहाँ पे क्या आ गया, टू आयोटा आ गया। मतलब इतनी की वैल्यू क्या आ गया, टू आयोटा आ गया, इतनी की वैल्यू, मतलब वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा की वैल्यू क्या आ गया, टू आयोटा हो गया। दोनों तरफ क्या करिए, मॉडुलस ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस और ये मॉडुलस, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए इमेजरी पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, जीरो है ना, रियल पार्ट तो कहीं दिख नहीं रहा, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजरी पार्ट टू का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो प्लस फोर मतलब रूट फोर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट फोर की वैल्यू टू, तो टू क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट क्या है, क्वेश्चन नंबर एट ये है कि वन प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा बी, तो प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट। तो आपको पता रहेगा प्रॉपर्टीज, तो इजिली क्वेश्चन बहुत कम स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वो वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको दिया है क्या, गिवेन हमें क्या दिया है स्टूडेंट, कि एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी
डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड क्या करिए मॉडुलस लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस x प्लस आयोटा i इज इक्वल टू मॉडुलस a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर मॉडुलस ब्रेक करेगा, इस क्या होता है ये ऊपर ब्रेक करेगा ना, ये होता है मॉडुलस a प्लस आयोटा b, फिर नीचे भी मॉडुलस ब्रेक करता है a माइनस आयोटा b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल आउट, पूरा क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन आ गई, ओके। तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, रूट ये आ जाएगा आपका, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रूट यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करें, रूट रूट दोनों तो आप रिमूव कर दीजिए, तो रूट रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, या उस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, वन वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ गई, रूट वन, रूट वन की वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रूट घट जाएगा ना स्क्वायर करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, वन, हमें तो यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मॉडुलस यूज़ करके हम बहुत कम स्टेप में ही अपने सोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, तो बस आपको प्रॉपर्टी लर्न होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आज तक यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो बाकी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा स्टूडेंट, आपको जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा स्टूडेंट। आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।